अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम सामीन और नाजरीन, ये हमारे दानिश भाई हैं। दानिश भाई अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम जमील भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी ये हमारे माशाल्लाह मेज़बान हैं AUH यानी अबू ज़बी के। अल्लाह ताला ने जो है दुनियावी एतबार से भी उनको बहुत नवाजा है और माशाल्लाह दीन के मामले में बहुत ही ये आगे रहने वाले हैं। इनके घर पे हमारी तरावी भी अदा होती रही और माशाल्लाह इन्होंने उम्मीद से भरकर हमारी खातिरदारी की, मेज़बानी की। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला इनको दुनिया और आखिरत के अंदर बेहतरीन बदला अता फरमाए, अहसनुल जज़ा अता फरमाए और अल्लाह ताला इनके ईमान को, आमाल को, इनके इज़्ज़त व आबरू को और इनकी हर चीज़ को महफूज फरमाए। अल्लाह ताला इनको ईमान की तकमील नसीब फरमाए और मरते दम तक इनको और इनकी कयामत तक आने वाली नस्लों को जो है अल्लाह ताला ईमान पर सबात और इस्तेकामत नसीब फरमाए। और कुरान की निस्बत के खातिर इन्होंने जो हमारे साथ मामला किया है और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने हमारा जो है खातिरदारी की है और मेहमान नवाजी की है, इसके बदले में अल्लाह तबारक व ताला इनको अपनी रज़ा नसीब फरमाए। और दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला ऐसी मोहब्बतों को हमारी जो है कायम और दायम फरमाए और इनको जो है और इनके साथ जितने भी साथी हमारे मेज़बान हैं और जिन्होंने हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन मामला यानी उम्मीद से बढ़कर हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बतों के साथ पेश आए, बहुत ही खंदा पेशानी के साथ पेश आए और बहुत ही मोहब्बती बाटी इन्होंने, बस अल्लाह ताला इसके बदले में इनको अहसनुल जज़ा अता फरमाए, दुनिया के अंदर भी इज्जतों से नवाजे और आखिरत के अंदर अपनी रज़ा नसीब फरमा कर इनके लिए जन्नत में दाखिले के रास्ते आसान फरमाए और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस में इनके आला मकाम नसीब फरमाए। दानिश भाई आप भी थोड़ा बहुत कह दे कुछ। बस मुफ्ती साहब को बहुत इंतहाई तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि अपना इतनी दूर से इंडिया से ट्रैवल कर हर साल यहाँ पर जो है ना वो हमें मौका देते हैं कि हम इनके पीछे तरावी पढ़ सकें। और तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान ख़त्म करते हैं मुफ्ती साहब की बदौलत तरावी में, वरना यहाँ पर ऐसा कुछ ऐसा माहौल नहीं है कि यहाँ पर कुरान ख़त्म किया जा सके। तो हम भी तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। जज़ाकअल्लाह खैर। हमारी तरफ से तो कोई कोताही हो गई है तो हमें माफ़ कीजिएगा, अगर मेज़बानी में कोई कमी पेशी हो गई है, कोई बात हमारी बुरी लग गई हो, क्योंकि अब आप हमारे दोस्तों की तरह है ना। जी जी। तो बस हंसी मजाक में कुछ ऊँच नीच हो गए तो हम आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं और आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इस दुआ करते हैं कि आइंदा भी आने वाले जितने भी साल अल्लाह ने हमें यहाँ रखा है हमें आपका दीदार रमजानों में नसीब होता रहे और हर साल यहाँ पर आते रहे और इसी तरीके से हम आपके पीछे जो है वो तरावियां पढ़ते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।